हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, आज मेरा नागपुर का सेकंड डे और ये पहला लोकेशन है जो है गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क। जैसे कि आप जानते हो, मैं जहाँ भी जाती हूँ आपको पूरी डिटेल जानकारी देती हूँ, जैसे कि कैसे जाना है, क्या चार्जेस है, क्या टिकट है। इस तरह से आप वीडियो पे बने रहें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, आपको इस तरह के बहुत सारे अचंभित करने वाले नज़ारे ज़रूर दिखेंगे। तो मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ आई हूँ सीताबर्डी के लिए। 12 रुपया चार्ज लगेगा, आप बस से आ रहे हैं, रिक्शा भी आपको छोड़ देगी। उसके बाद आपको ब्राह्मणी जाने वाली बस पकड़नी है, जो कि आपको 19 रुपये में जंगल सफारी के नाम से टिकट मिलेगा और वो आपको छोड़ देंगे। एक 10 से 15 मिनट यहाँ आने के लिए लगेगा। तो ये देखो, ये आ गई हूँ मैं बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो आज मैं इसे एक्सप्लोर करने वाली हूँ। पास ही है, आसान है, बस से आ सकते हैं। ये ब्राह्मणी जाने वाला रोड है, देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। तो ये रहा फ्रंट नजारा इसका, वाव डॉगी कितना अच्छा है। वो है टिकट काउंटर, यहाँ है पार्किंग की फैसिलिटी और मेरी 11 नंबर की बस को किसी पार्किंग की जरूरत नहीं है। तो ये रहा, वाव, आज बच्चों के साथ बच्चा बनना है, क्या बात है। ये रहा टिकट काउंटर, संडे है इसीलिए थोड़ी सी भीड़ दिख रही है। ये रहा यहाँ का टिकट जूलॉजिकल पार्क का। मैंने एसी बस का लिया है, नॉन एसी का 300 रुपया चार्जेस है। ये आ गई है मेरी बस, ऐसे ना एसी, ऐसा नंबर का कोशा चिक्रो। ओ अच्छा, मिनिमम 20 जन पाहिजे ना। ओके याची काय चार्जेस असेल बसचे? मग त्याच्यामध्ये 20 लोक इन्क्लुडेड, वाव हे छान आहे। ये देखो, ये बस में 20 लोग हैं, 400 रुपया इस बस का चार्जेस है, मतलब 400 में 20 लोग भी आ सकते हैं। कम से कम 20 लोग चाहिए, अगर आप अकेले हो तो ऐसे घाटे का सौदा कर सकते हो। यानी मैंने गजब बेइज्जती अकेली टिकट ले ली, इस लॉजिक से तो मुझे इस बस में बैठना चाहिए। खैर, ये एक घंटा घुमाएगी और तो यहाँ का बात बस से आप जा रहे हो तो अनाउंसमेंट करेंगे, तब तक यहाँ से आप कुछ खा सकते हो। तो वाओ, शॉप यार, रेस्टोरेंट, अच्छा उस साइड है, अच्छा बनाया यार ये। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे लगा यहाँ पे कुछ मिल जाएगा बाहर, इस सुनसान एरिया है तो इसीलिए। फूस कितना अच्छा ना यहाँ, ठीक है खाने में क्या पंप लगता है। मैं वैसे आने के बाद यहाँ का चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं। पार्सल घेऊन जाऊ शकते ना, रुपया में दो वड़ा पाव। ओ गॉड, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुपया समोसा, बहुत अच्छी लग रहा है यार, 90 रुपया में, ठीक है लोकेशन के हिसाब से इतनी ज़्यादा भूख तो खाई नहीं मुझे। ठीक है, जाती हूँ बैठने के लिए, थोड़ा सी जगह चाहिए मुझे, कैमरा सेट कर सकूँ मैं। ओके, दिस प्लेस इज नाइस, कूल कूल कूल, वाओ आई लव इट।
देखो पीछे पीछे तू देखो आगे ला आगे ला तो चलिए जानते हैं गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गोरेवाड़ा यानी गोरों की एक पूर्व बस्ती है। खैर, यह एक शासक की संरचना की अवधारणा है। वर्ष 1800 में ब्रिटिश राज्य ने गोरेवाड़ा का निर्माण किया था और इसीलिए यह प्रसिद्धि और नाम में शामिल है, जिसमें 21वीं सदी में इसकी प्रासंगिकता बरकरार रखी है। प्रचुर वनस्पति और जीव आपको और आपके प्यारे परिवार को भी भर कर रोमांचित कर देंगे। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर में अनौपचारिक वर्चस्व का एक प्रसिद्ध इतिहास है, जिसे तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए ग्रीष्मकालीन आश्रम स्थल के रूप से पहचाना और चुना गया था। आज गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का एक क्षेत्र नागपुर में 0 माइल से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। गोरेवाड़ा आज बोरगांव, फ्रेंड कॉलोनी और फैक्ट्री जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में घिरा हुआ है। यहाँ आपके अपने वाहन या सार्वजनिक परिवहन द्वारा भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी, कितना टिकट लगता है नागपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ आने के लिए। और सिर्फ अंग्रेजों के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने प्राचीन भारतीय जीवन में भी इसकी मौजूदगी 21वीं सदी में मिलती है। गोरेवाड़ा के विकास की एक श्रृंखला शुरू की गई थी और ये अब अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जंगल ड्राइविंग, बायो बचाव केंद्र, बायोपार्क, बांस विभाग, झील और पहाड़ियों की अन्य प्रकृति सुंदरता से घिरा हुआ है, जो नागपुर में सबसे अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है। यहाँ का जो 1914 हेक्टर में ये फैला हुआ है और 20 किलोमीटर का क्षेत्र इन्होंने कवर किया है। जैसे कि यहाँ आप आओगे तो यहाँ आपको भारत की सफारी अपनी पूरी महिमा है विस्मय और आश्चर्य के साथ आपको तेंगुआ सफारी, स्थल भालू सफारी, शाकाहारी सफारी, बाघ निकट भविष्य में इसकी अफ्रीकन सफारी, रात्रि सफारी और आदिवासी परिसर भी शामिल होंगे, जो बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान को अंगदुकों और निवासियों दोनों के लिए एक अनुकूल स्थान बनाता है। इसके दौरान खुले बाड़े हैं और कौन से जानवर रखे गए हैं, ये खुले बाड़े प्राकृतिक आवासों में समान किए गए हैं। तो अब इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगी और यहाँ पे कितना चार्ज लगता है, कितना टिकट है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। जंगल सफारी चल रही है, मैंने एसी बस इस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जानवर एक दूसरे से ना मिले। और अभी तक हमने लेपर्ड और भालू देख लिया है, अब खोज के देखना पड़ रहा है। ठीक है, वैसे प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ही। ये देखिए आपके राइट में सामने ही है। ये खतरनाक क्वालिटी है। अब देखो कि अभी हमें बियर भी मिला, भालू वो दूसरा वहां पे बैठा है, वो ब्लैक तीसरा भी हिरन बैठा है वहां। भाई साहब को दिखाओ, इसके बाद मैं वो टाइगर दिखाऊंगा। टाइगर देखो जंगल,
यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर सेक्टर में तालाब बनाया गया है और जब जानवर पानी पीने आते हैं तब वहाँ के जो टूरिस्ट मतलब वहाँ के जो गार्ड हैं वो कॉल करके बताते हैं कि हाँ यहाँ पे पानी पीने आ गए हैं, अब आप टूरिस्ट को लेके आ सकते हैं। और हमारी गाड़ी इतनी अच्छी और सेफ थी कि कोई भी मतलब हमला हो नहीं सकेगा इस पे। मान लो कोई जानवर हम पे अटैक करने की कोशिश करता है तो ये दीवार मतलब जो कांच है गाड़ी की वो कोई तोड़ नहीं सकेगा। और इतना अच्छा इनको फ्री इन्वायरमेंट दिया गया है जानवरों के लिए कि देखिए ना यहाँ कितनी हरियाली है। मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर पानी के बिना या घास के बिना भूखा रह सकता है या कोई फूड के बिना भूखा रह सकता है, मर सकता है। मतलब हर प्राणी संग्रहालय में ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। नहीं तो मैंने 2-3 जगह विजिट की है पर मुझे ऐसा नज़ारा नहीं दिखा। वहाँ कम जगह में उनको कैद किया जाता है और ठीक से उनकी देखभाल भी नहीं की जाती, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। मतलब इतना फ्री इन्वायरमेंट। वैसे तो हमने शेर को भी नहीं देख पाए हम, क्योंकि वो वहाँ पे पानी के स्थान पे आया नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा अफसोस हुआ। बट ठीक है, अगर वो सेफ है और अच्छी जगह है तो बढ़िया है, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा कि इनको इतना फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसा लगा कि जानवर फ्री है और इंसान कैद है। पर ठीक है, कभी कभी कैद होना ही ठीक रहता है। जैसे हम लॉकडाउन में कैद थे पर हमारे सेफ्टी के लिए कैद थे, तो वैसे जानवरों को फ्री रखना ही चाहिए, क्योंकि उनको बंदिश करना, उन पर जुर्म ढाना ये तो बुरी बात है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता है कुछ गलतियाँ हो गई होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार करूँगी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। मैं अभी इली और राजकुमार यानी दोनों टाइगर को मिलने जा रही हूँ। देखते हैं रियल लाइफ का राजकुमार ना सही, पर ये राजकुमार तो मैं देख कहीं रहूंगी। पता नहीं मुझे दिखेगा या नहीं, दिखा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो भी अच्छी बात है। चलिए वीडियो में बने रहे।
आखिरी छोर तक आ गए हैं, पर हमें ना राजकुमार मिला ना ली मिली, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ थे पर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, तो चलिए यहाँ का टूर अभी ख़त्म होता है। अब मैं अगले टूर के लिए जाने वाली हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होगी, आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगी। उसके लिए मैं 3 किलोमीटर चली हूँ लिटरली, पर वो जगह मुझे सबसे खास लगी आज के दिन के लिए। तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी से मैं अपलोड करने वाली हूँ। मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत लेज़ी बनती जा रही हूँ कि मैं जल्दी वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ और अपने टूर को ऐसे ही बनाती रहूँ। तो आप मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो देर तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ रहता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। वैसे मैं 10 बार आपको बाय कर चुकी हूँ, पर बताना ये था यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार के साथ यहाँ बस में बहुत सारे परिवार लोग आए थे और मैं अकेली, सब मुझे देख के चौकन मतलब हैरान परेशान हो रहे थे कि अकेली लड़की कैसे घूम रही है। पर मुझे अच्छा लगा कि मुझे देख के कुछ महिलाएं इंस्पायर हुई, उससे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हिम्मत मिली उनकी बातों से कि मैं सही में अच्छी मतलब लकी गर्ल हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला। थैंक्स टू माय फैमिली जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं पूरी दुनिया को देख सकूं और आप सभी को ये सब दिखा सकूं, इतना अच्छा नज़ारा। अब जब भी नागपुर आओगे, विजिट करोगे मेरा वीडियो देख के, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी और ऐसे ही वीडियो में बने रहे। और अगर आप घूमना चाहते हो और आपका बजट ना हो तो मैं ज़रूर बजट, ये जो वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरा नागपुर टूर ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपना बजट भी बताऊंगी कि मैंने कितने पैसों में कितने दिन यहाँ रही हूँ और कितना चार्जेस लगा। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।